नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, और इनसे बात करते हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा, उसमें क्या कुछ मेन बात है वो बताएं। देखिए, आज जो दो तीन मुद्दे हैं वो सबसे अहम हैं। एक, जो चिराग पासवान का बिहार को लेकर के उमड़ रहा तथाकथित मोह है, जिस व्यक्ति को बिहार में एक साथ 100 घंटे गुजारने की भी जरूरत जिसने कभी महसूस नहीं की, जिसको बिहार में रुकना गवारा नहीं था, आज एकाएक बिहार की जनता के लिए उनका लगाव दिखने लगा है। दरअसल चिराग पासवान राजद की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और इसका पुख्ता प्रमाण उन्होंने राघोपुर में दे दिया, जहां तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा किया है। तो अब ये चिराग किसके हैं, इसका जवाब जनता को समझने में बहुत दुविधा नहीं होगी। वो पूरी तरह से राजद की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव में भाजपा के साथ थे, तब भी 2 सीटें उनको मिली थी, अब तो रामविलास जी भी नहीं है, तो अब बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, कल जातीय विद्वेष बढ़ाने के लिए जो बातें उन्होंने की, अब बिहार बदल गया है, ये खेल चलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र में दलितों की सुध लेने के लिए झोपड़ियाँ जलने के बाद नहीं जाए, और वो एकाएक उसकी हमदर्दी पिछड़ों और दलितों के लिए उभरने लगे, तो लोग समझ जाते हैं कि ये मौसम का तकाजा है, ये सियासत है। और इसीलिए वो जो एक जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक साथ 2 तीर से निशाना साध रहा है, एक तरफ लोजपा को भी अपने ये रख करके, फिर ओवैसी को भी अपने पास रख करके, कहा जा रहा था ये खबरें जो है वो किस। मैं समझता हूँ लोग क्या कह रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के आधिकारिक तौर पर नेताओं के बयान क्या है। उन बयानों के बाद कोई संशय नहीं होना चाहिए कि चिराग पासवान अब एनडीए के हिस्सा बिहार चुनाव में नहीं है, और वो किसके साथ हैं उसका प्रमाण मैंने आपको दे दिया। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, आज तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी यादव को भरी सभा में मुख्यमंत्री कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो ये कितना कुछ सही लग रहा है। देखिए, मुकाबला जिससे सबका होगा उसके खिलाफ ही बातें वो कहेंगे, और नीतीश कुमार जी का नाम लेने के बाद ही उनको सुर्खियों में कुछ जगह मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कई अलायंसेज लड़ रहे हैं, उसमें राजद का भी एक गठबंधन है, ओवैसी साहब का भी एक गठबंधन है, पप्पू जी भी एक अलायंस को चला रहे हैं। इन तमाम गठबंधनों से जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, एनडीए का बाकी अलायंसेज से फासला बहुत बड़ा है। कितने सीटों पर चुनाव जीत रही है? 200+ हम लोगों की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें जेडीयू कद्दावर नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं राजीव रंजन जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले समय में एनडीए की भारी जीत हो रही है और बहुमत, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का काम करेगी। देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ रंग लाता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।